बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार एक्टर की मौत को लेकर पोस्टमार्टम कर्मचारी और एसएसआर के वकील ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक्टर की मौत के 2 साल बाद सुसाइड को मर्डर बताया जा रहा है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने भी कहा कि एसएसआर की मौत कोई मामूली सुसाइड केस नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह ने एक न्यूज पोर्टल से की गई बातचीत में एक्टर की मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास सुशांत के जख्म और चोटों के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के कर्मचारी ने दावा किया है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सुशांत की बहन ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन इस बात पर कायम हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी क्योंकि इसके पीछे साजिश थी और केवल सीबीआई ही इस मामले को सुलझा पाएगी। एसएसआर की मौत के पीछे साजिश थी। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी का परीक्षण करने वाले कर्मचारी ने एक्टर की मौत को सुसाइड नहीं मर्डर बताया है। एक न्यूज आउटलेट को दिए अपने बयान में रूप कुमार शाह ने कहा है कि सुशांत की बॉडी पर गहरी चोटों के कई निशान थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सुशांत की बॉडी को देखने के बाद उन्होंने तुरंत शव की वीडियोग्राफी करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सिर्फ फोटोग्राफी से काम चलाने को कहकर बात को टाल दिया।